बेटा अब हम बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की, ये क्या है। तो भैया वही जो मैं बोलने जा रहा हूं कि कोवेलेंट बॉन्ड की ओवरलैपिंग जिस तरह से होती है वो दो तरह से ओवरलैपिंग होती है, और जो ओवरलैपिंग दो तरह से होती है उन दोनों का अलग अलग नाम है, एक को सिग्मा बोल देते हैं और एक को पाई बोल देते हैं। ये सिग्मा बॉन्ड है क्या बेटा? सिग्मा बॉन्ड को हम एंड टू एंड या हेड टू हेड ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। अब बोलोगे भैया बोलते तो है, समझाओ तो सही है क्या। तो बेटा ये हमारे गुब्बारे फोड़ दिए क्या आप, कहाँ गए वो गुब्बारे, उठा के लाओ जी जल्दी लाओ, अभी तुम्हें हेड टू हेड ओवरलैपिंग दिखाते हैं। बेटा हेड टू हेड ओवरलैपिंग क्या होती है एक बात याद रखना, जैसे मेरा एस ऑर्बिटल है, क्या है एस ऑर्बिटल, आहा निकल के आओ बेटा एस ऑर्बिटल जल्दी, आ गया बेटा एस ऑर्बिटल ये रहा बेटा, इसको थोड़ा सा उठाना है इसको ड्रोन को हवा में हल्का इतना ऊंचा उठा ले बस, ठीक है ये बच्चों को दिखाई दे जाए, हाँ मुझे मत दिखाई, बस उठा 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 बस बस बहुत। ये है बेटा मेरा एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल कैसा होता है, राउंड शेप, गोल होता है, क्या होता है गोल होता है। लेकिन अब बात करें हम पी की, तो पी कैसा होगा हमारा, जी भर के पी, अरे ये तो बॉन्ड बड़े तगड़े बन गए, छूट नहीं रहे छूट गए। देखो ये हमारा पी, पी कैसा है हमारा डंबल शेप्ड, कैसा है बेटा डंबल शेप, याद रखना। एस ऑर्बिटल होती है राउंड गोल शेप, पी ऑर्बिटल कैसी होती है डंबल शेप, देखा डबल डबल गोले लगे हुए पी शेप है, है ना। अब याद रखना बेटा मैं बोल रहा हूँ ना, हेड टू हेड होता है सिग्मा बॉन्ड, हेड टू हेड भैया, हेड टू हेड का मतलब होता है अगर मान लो एक सर है और ये एक सर है, तो बेटा ये सर है एक दूसरा सर है, दो सर आपस में जुड़े हुए हैं, तो हेड टू हेड मतलब सर से टकराएगा, या तो बेटा एस मेरा यहां जुड़ेगा आके या मेरा यहां पे जुड़ेगा, यहां बीच में नहीं जुड़ेगा क्योंकि बीच में सर तो है ही नहीं, बीच में तो सर गर्दन है, अबे इस पे पेन चल नहीं सकता। मान लो ये सर है, इसकी आंख है दो, ये नाक मुंह, ये आंख नाक मुंह, तो बेटा ये दो सर है ना, तो हेड टू हेड का मतलब है कि या तो इस सर पे चुपकेगा आके इस सर में टक्कर मारेगा, या तो इस सर में आके टक्कर मारेगा, लेकिन बीच में नहीं चुपकेगा कहीं, याद रखना। रख दो बेटा नीचे, ठीक है तो इधर देखो जरा, तो मान लो ये एस ऑर्बिटल है गोल और ये पी ऑर्बिटल हमारी डबल डंबल, ये आपस में चुपकेंगे कैसे, या तो बेटा ये इस तरफ के हेड पे चुपकेगा या ये दूसरी तरफ के हेड पे आके चुपक जाएगा, लेकिन बीच में कहीं नहीं चुपकेगा, इसी को हम बेटा सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। और याद रखना सिग्मा बॉन्ड कहां बनेगा भैया, एस ऑर्बिटल ही बना सकता है इसको, पी नहीं बनाएगा, पी के पास तो दो दो सर है, है ना, एस के पास एक ही सर है, तो उसको सर से सर में ही चुपकाना पड़ेगा, जब बात और पी की आएगी तब आगे बढ़ेंगे। तो याद रखना इस, ये कैसा बॉन्ड होता है, काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, हेड टू हेड कैसा बॉन्ड है, काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, खुद सोचो किसी के सर में सर मारोगे तो क्या होगा, बहुत तेज लगेगी, वेरी स्ट्रॉन्ग, है ना। तो सिग्मा, एस से सिग्मा, एस से स्ट्रॉन्ग, तो सिग्मा बॉन्ड कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। और याद रखना ये किस तरह के बॉन्ड बनते हैं दिखने में, तो सिंगल बॉन्ड जहां भी आपको दिखाई दे तो सिंगल बॉन्ड का याद रखना कि वो सिग्मा बॉन्ड ही है। सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड ही होता है। तो एस से सिग्मा, एस से सिंगल, एस से स्ट्रॉन्ग, तीनों एस मिल गए, ट्रिपल एस, क्या ट्रिपल एस, ओके बस ट्रिपल एस याद करने की जरूरत है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगला देखो बेटा, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग देखो जरा सिग्मा बॉन्ड में कैसे हो सकती है। देखो या तो एस शेल आपस में दो चुपक गई, मान लो एक गोला ये रहा एस का और एक गोला ये रहा, दोनों आपस में चुपक गई होगी, एस एस ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग, एस पी से चुपक गया, ये रहा मेरा पी डंबल शेप, ये रहा मेरा एस आके चुपक गया लोडी से, ये हो गई क्या हो गई मेरी एस 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 पी ओवरलैपिंग। ऊपर उठो ड्रोन जी, ये लो जी ये बन गई हमारी, क्या बन गई, क्या बन गई एस पी। अब पी और पी, अब बेटा पी और पी कैसी बनेगी, पी और पी के लिए एक गुब्बारा और चाहिए जी, लाओ बिना फोड़े देना जरा बेटा, पीछे दीवार पे इतने सारे कहां ढूंढ रहे हो, जल्दी दो, हाँ अभी ये बेटा क्या हो गया हमारा, ये देखो बेटा ये हमारी एक पी ए रहा डबल डंबल, रुक जा बेटा कहां को जा रहा है डबल डंबल, अरे रुक जा यार, और ये हो रही दूसरी पी, ये लो जी आपस में जुड़ गए, हाँ हाँ क्या हो गया जुड़ गए, इसका हेड इसके हेड से जुड़ गया, बन गया पी टू पी। चलो बेटा हटाते हैं नहीं, अभी लेंगे तुम्हें फिर से काम में। आइए हमारा सिग्मा बॉन्ड समझ में आ गया, अगला देखो बेटा पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड सिग्मा, पाई बॉन्ड कहां बनेगा, पाई बॉन्ड वहां बनेगा जहां एस का काम ही ना हो, मतलब मल्टीपल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर क्या बनेगा हमारा, पाई बॉन्ड बनेगा। सिंगल बॉन्ड में हमारा सिग्मा बॉन्ड बनता है। अगला देखो बेटा ये कैसा बनेगा, वो हेड टू हेड था तो ये साइड साइड ओवरलैपिंग, साइड साइड, तो लास्ट वाली जो मैंने अभी तुम्हें दिखाई ना पी टू पी, मतलब पी वो साइड बाय साइड ही थी, ये देखो कैसी हो गई साइड बाय साइड, ये देखो दो पी आपस में जुड़ गए, एक पी और एक पी जुड़ गए, तो ये साइड बाय साइड जुड़ गए, हाँ ये बेटा क्या है हमारी
पाई बॉन्ड बना दिया इन्होंने, क्या बना दिया, पाई बॉन्ड। दिख रहा ना पाई, पाई कैसे होता है, पाई भी तो ऐसे ही होता है, एक लाइन पर, तो ये इससे ही आया है। ठीक है, अब ये कैसे जुड़ेंगे इनको, बेटा मैंने वही शेप के अंदर दिखा के रखा है, ये ऐसे जुड़ेंगे आपस में ऐसे। अब ये किसी भी ओरिएंटेशन में हो, इस तरीके से लेटा होगा तभी भी ये दूसरा भी इसी ओरिएंटेशन में होगा, ये ऊपर होगा तो ये इसमें होगा। बेटा एक चीज याद रखना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है, एक बात बताओ, ये जब जुड़ रहे हैं तो यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रॉन आपस में यहाँ जुड़ रहे हैं बॉन्ड बना रहे हैं, और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बना, मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है, बॉन्ड तो खैर यहाँ बना रहे हैं, तो यहाँ पर आपस में एक बॉन्ड ऊपर बना जब ये दोनों जुड़े, एक बॉन्ड यहाँ बना जब ये आपस में दोनों ऊपर जुड़े, तो बेटा इसको हम देखें तो एडमिसिव क्लाउड बनाए इलेक्ट्रॉन्स का, तो इस तरह की शेप निकल आ जाती है क्लाउड्स की, है ना। और बेटा एस शेप के अंदर अगर हम क्लाउड देखें तो भैया ऊपर एक ही सिंगल ही क्लाउड बनेगा, इस तरफ सिर्फ इस तरफ ही तो बॉन्डिंग हो रही है, या इस तरफ बॉन्ड हो गया दूसरे शेप में चला जाएगा, और कोई तरीका है ही नहीं भाई। बात समझ में आ गई, ठीक है बेटा। एक चीज और देखो जरा, एक चीज मैंने तुम्हें बता दिया, फिर समझा रहा हूँ कि बेटा सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, पाई बॉन्ड कमजोर होता है एज कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड। किससे कंपेयर होता है, एज कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड, ठीक है बेटा।